जय हिंद दोस्तों। आज 19 जनवरी सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने दिए जिला सैनिक बोर्ड को निर्देश, एक्स सर्विसमैन की मैरिज डॉटर ग्रांट का उठाएं जबरदस्त फायदा। डीएसपी पेंशन अकाउंट कन्वर्ट होंगे रक्षक प्लस अकाउंट में, बड़ी अपडेट है इस पर बात करेंगे। ओआरओपी 2 एरियर की चौथी किस्त अगर नहीं मिली है तो इन नंबरों पर संपर्क करें। पीसीडीए ने बताया है कि फरवरी लास्ट तक इंतजार करें। 22 जनवरी 2024 को केंद्रीय कर्मियों के लिए जारी हुआ ऑफिस मेमोरेंडम, इस पर बात करेंगे। प्री 2006 और पोस्ट 2006 रिटायर्ड सैनिकों को मिलेगा बकाया एरियर, इस पर बड़ी अपडेट है। आर्म्स लाइसेंस एक्ट 2024 जारी हुआ, सैनिकों को लाइसेंस बहुत ही आसानी में मिलेंगे। एमटीएस ड्राइवर फायरमैन जेसीओ ओआर की जबरदस्त भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली खबर से बात करते हैं। केएसबी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और ये केएसबी की तरफ निर्देश जो दिए गए हैं सभी जिला सैनिक बोर्ड वेलफेयर ऑफिस को दिए गए हैं और इसमें ये जो लेटर है 14 नवंबर 2023 का है। इसमें कहा गया है इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसीडिंग एप्लीकेशन फॉर डॉटर मैरिज ग्रांट। डॉटर मैरिज ग्रांट का एप्लीकेशन आपको प्रोसेस करना है थ्रू जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू, आपको राज्य सैनिक बोर्ड में और राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू केएसबी में नाम भेजना होगा। इसके लिए 180 दिन पहले आपको ये प्रोसेस करना है। तो इसका निर्देश जारी हुआ है सभी जिला सैनिक बोर्ड को। इसमें कहा गया है कि जिस पूर्व सैनिक अपने मैरिज डॉटर के लिए ग्रांट मांग रहे हैं उनके लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मैरिज डॉटर ग्रांट दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए 180 दिन होने चाहिए और जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू रेकमेंड किया गया होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि 180 दिन के बाद जो अप्लाई करेगा उसके लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। अब डीएसपी पेंशन अकाउंट जो होंगे उनको रक्षक प्लस स्कीम में कन्वर्ट कराना होगा और ये आपको कैसे कराना है इसके लिए ये एप्लीकेशन है ब्रांच मैनेजर और ये सिर्फ अप्लीकेबल है पीएनबी पेंशनर्स अकाउंट होल्डर के लिए। जो पीएनबी बैंक में जिनका पेंशन अकाउंट है उनके लिए अप्लीकेबल है। टू कन्वर्ट माई पेंशन अकाउंट इंटू रक्षक प्लस स्कीम, यानी कि जो डीएसपी अकाउंट पीएनबी में होता है उसको पेंशन आने के बाद रक्षक प्लस में कन्वर्ट कराना होता है। इसके लिए ये फॉर्मेट है, आप एप्लीकेशन लिखेंगे, इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लिखना है और इसके बाद इसमें सिग्नेचर, नाम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, पीपीओ, पेंशन स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के आपको बैंक में पीएनबी बैंक में सबमिट करना होगा। एसबीआई के लिए क्या है, जो भी एसबीआई पेंशनर्स हैं डीएसपी अकाउंट होल्डर उनको रिटायरमेंट होने के बाद डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराना होगा। और डीएसपी पेंशन अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कराएंगे उसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप में आपको मैसेज भी कर दूंगा उस जो फॉर्मेट है उसका। दूसरी बड़ी अपडेट है, अगर आपको एरियर नहीं मिला है तो पीसीडीए स्पर्श ने कहा है कि आप इंतजार करें फरवरी लास्ट वीक तक, क्योंकि फरवरी फोर्थ इंस्टॉलमेंट फरवरी की थी, जनवरी को आने लगे तो कई पेंशनर्स ये कह रहे हैं कि हमारा अभी तक नहीं आया। मैंने जब बात की डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन सेल में तो उसमें जवाब आया है कि आप फरवरी तक वेट करें। तो जो भी पेंशनर्स हैं ये नंबर आप लिख के रखें, ये टेलीफोन नंबर है, इन पर आप बात भी कर सकते हैं। पहले तो इनको सेव करके रखें क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकती है, फैमिली पेंशनर्स हों, सर्विस पेंशनर्स हों या बाकी पेंशनर्स हैं, सबके लिए ये ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर जारी हुए हैं। 9:30 से 7:30 पर बात कर सकते हैं इन नंबरों से। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। पेंशनर्स डिपार्टमेंट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इस ऑफिस मेमोरेंडम में जो कहा गया है 18 जनवरी 2024 को जारी किया गया है पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसमें हाफ डे क्लोजिंग टिल 2:30 PM ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस सेंट्रल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिशमेंट 22 जनवरी 2024, यानी कि 22 जनवरी 2024 को केंद्रीय कर्मचारी के कार्यालय, केंद्रीय कर्मियों के कार्यालय बंद रहेंगे, हाफ डे उनमें रहेगी,
यानी कि हाफ डे में 2:30 पर केंद्रीय कार्यालय बंद हो जाएंगे। तो उस दिन हाफ डे मनाया जाएगा और हाफ डे के लिए आप देख सकते हैं ये लेटर जारी हुआ है। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट से। दूसरी बड़ी अपडेट है, एक लेटर जारी हुआ है और ये पेंशनर्स के लिए लेटर है, प्री 2006 वालों को, जो सर्कुलर नंबर 631 के हिसाब से जिनको एरियर नहीं मिला है, जो कि 5/3/2020 को लेटर जारी हुआ था, उसके बाद ये लेटर जारी हुआ है। बता दें इसमें ग्रीवेंस डाली गई थी, जिनका एरियर 631 सर्कुलर के हिसाब से नहीं जिनको मिला है, वो सीपी ग्राम में कंप्लेन डाल सकते हैं। 24/10/2023 को ये कंप्लेन डाली गई थी और रिप्लाई आया है 10/1/2024 को। तो आप देख सकते हैं सीपी ग्राम में कंप्लेन करने से क्या फायदा है, आपको तुरंत आपका समाधान होता है। तो जरूर सीपी ग्राम में जो भी कंप्लेन डालते हैं, कैसे डालेंगे इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू वो वीडियो देख के आप भी सीपी ग्राम में अगर आपको कोई भी पेंशन से संबंधित समस्या है तो डाल सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है एप्लीकेशन फीस स्टाम्प शुल्क। अगर नया आप आर्म्स लाइसेंस लेते हैं, गन लाइसेंस, बंदूक लाइसेंस, तो कैसे लेंगे इसका आज डिटेल वीडियो दोपहर में आ जाएगा, उसका डिटेल वीडियो बनाएंगे। बता दें आर्म्स एक्ट 2024 नया एक्ट जारी हुआ है, कैसे आप पूरा प्रोसेस करेंगे पूरी जानकारी उसको मिल जाएगी। आपको बता दें पिस्टल के लिए ₹2000 रजिस्ट्रेशन फीस है, केवल ₹2000 आपको लगेगा और घर बैठे बिना किसी दलाल के आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। और 12 बोर राइफल के लिए ₹1500 है, इसके बाद शॉर्ट गन के लिए ₹1000 है। इसका मैं डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको ऑनलाइन अपना हथियार अप्लाई करना है, इसका डिटेल वीडियो आज दोपहर में आ जाएगा। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें एएससी सेंटर साउथ में ऑल इंडिया के एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी जो है कई पदों पर है, कई ट्रेड पर है। सबसे पहले बता दें कुक ट्रेड के लिए जो वैकेंसी है 2 SC एक्स सर्विसमैन के लिए है, 1 OBC एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसके बाद सिविलियन कैटरिंग की जो वैकेंसी है 1 SC एक्स सर्विसमैन की है, और इसके बाद MTS चौकीदार की जो वैकेंसी है 2 एक्स सर्विसमैन की, ST एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी जो वैकेंसी है ट्रेड्समैन मैट की, 5 एक्स सर्विसमैन प्लस 3 8 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। व्हीकल मैकेनिक की में 1 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। इसके बाद सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 5+1+3 वैकेंसी है, और इसके बाद क्लीनर की 2+1+1 वैकेंसी है। इसके बाद फायरमैन की वैकेंसी है, फायरमैन के लिए बता दें इसमें 10% रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया हुआ है, जिसमें लेडीज फायरमैन, फायरमैन जेंट्स, इसके बाद फायर इंजन ड्राइवर के लिए वैकेंसी है। तो ये आप देख सकते हैं 10% इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी दी हुई है। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।